पीरियड्स वाले स्कूल स्टूडेंट। गरिमा बहुत ही होनहार और अपने क्लास में अव्वल रहने वाली स्टूडेंट थी। हर कोई उसकी बहुत तारीफ करते थे। क्लास में तो वो हर टीचर के फेवरेट स्टूडेंट थी। वहीं उसी की क्लासमेट कावेरी उससे काफी ज्यादा चिढ़ा करती थी। ये गरिमा की बच्ची हर साल टॉप करती है, इस साल हर हाल में मुझे टॉप करना है। मुझे इसके लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे गरिमा पढ़ाई पर ध्यान ना दे और वह मुझसे पीछे हो जाए। इधर गरिमा आज सुबह जब सोकर उठती है और पढ़ाई करने के बाद नहाकर जब स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, तभी उसके पेट में जोरों की दर्द होने लगती है। आह माँ, पता नहीं क्यों अचानक से मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है फिर तूने कल स्कूल के बाहर ठेले वाले से गोलगप्पे खाए हैं, है ना? नहीं माँ, मैंने कल तो कुछ भी नहीं खाया, फिर भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं दवाई दे देती हूँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। एक काम कर, आज स्कूल मत जा और दवाई खाकर आराम कर। नहीं माँ, आज तो स्कूल जाना ही पड़ेगा, आज स्कूल में टेस्ट है। गरिमा दवाई खाकर स्कूल चली गई, लेकिन उसके पेट में दर्द में कोई आराम नहीं मिला। पेट दर्द के कारण वो अपने क्लास में चुपचाप बैठी थी। गरिमा को इतना शांत देखकर उसकी सहेली आरती उससे कहती है, क्या बात है गरिमा, आज तू इतनी चुप चुप क्यों है? पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है आरती, पता नहीं पेट में क्या हुआ है। आह, ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ। तभी क्लास में मैडम आ जाती है और फिर वो सबका टेस्ट लेती है। टेस्ट खत्म होने के बाद गरिमा जैसे तैसे करके दर्द से परेशान जब खड़ी होती है, तो उसे देखकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। आज इस गरिमा को क्या हुआ है? तभी वो देखती है कि गरिमा की स्कर्ट पीछे से खून से लाल हो रखी है। अरे सभी बच्चे उधर देखो, गरिमा का स्कर्ट खून से लाल हो गया है। वो देखो, छी कितना सारा खून लगा है। गंदी गंदी। गरिमा ने जब अपना स्कर्ट देखा तो सच में उसमें खून के धब्बे लगे थे। ये देखकर वो घबरा गई, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि ये खून कहाँ से आए हैं। और क्लास में सभी बच्चे अभी छोटे थे, तो इस बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर खून कहाँ से आ सकता है। सभी बच्चे गरिमा पर खूब हंसते हैं। गरिमा परेशान होकर रोते हुए अपने क्लास से बाहर भाग जाती है। अरे गरिमा, भागते हुए कहाँ जा रही हो? रुको रुको गरिमा। लेकिन वो किसी की कुछ नहीं सुनती है और भागते हुए स्कूल के पीछे वाले तालाब के पास बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? ये खून कहाँ से आ रहा है? अब मैं क्या करूँ? मैं इस तरह सबके सामने कैसे जाऊंगी? घर पर जाऊंगी तो माँ को क्या बताऊंगी? स्कर्ट में खून देखकर माँ भी मुझे बहुत डांटेंगी। इधर गरिमा बैठकर रोते रहती है। वहाँ स्कूल में सभी टीचर गरिमा को ढूंढने लगते हैं। गरिमा तुम कहाँ हो? गरिमा सामने आओ बेटा, क्या हुआ है बताओ मुझे गरिमा। लेकिन गरिमा वहीं पास के झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाती है। सभी गरिमा को खूब आवाज लगाते हैं, लेकिन गरिमा डर से किसी को जवाब नहीं देती। तभी उसके हाथों में एक चींटी काट लेता है। आह! तभी गरिमा झाड़ी से बाहर आ जाती है। लेकिन जब टीचर की नज़र गरिमा पर जाती है, तब वो देखती है कि गरिमा के स्कर्ट में तो खून ही खून लगा है। उसकी सफेद स्कर्ट खून से लाल हो चुकी थी। तभी मैडम उसके पास आती है। गरिमा, इसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये मेंस सेंचुरल साइकिल है, ये तो हर लड़की को होता है, घबराओ मत और चलो मेरे साथ। नहीं मैडम, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ सभी मुझ पर हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। कोई नहीं हंसेगा, ये बहुत नॉर्मल बात है, अब तुम चलो मेरे साथ। उसके बाद मैडम गरिमा को ले जाती है और उसे एक सेंट्री पैड देती है और उस दिन गरिमा को छुट्टी दे देती है। गरिमा घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। हे भगवान, मैं भी कितनी पागल हूँ, मुझे सुबह ही समझ जाना चाहिए था। तुम अब बड़ी हो रही हो। लेकिन माँ, मेरी क्लास में तो किसी भी लड़की को ये नहीं होता है। होगा बेटी, सबको होगा, बस तुम्हारा टाइम पहले आ गया, ये हर लड़की को होता है। माँ के समझाने के बाद गरिमा समझ जाती है। अगले दिन गरिमा जब स्कूल आती है तो कावेरी उसका बहुत मजाक उड़ाती है। अरे ये देखो, खून वाली गरिमा आ गई। तो बहुत गंदी लड़की है, तभी तेरे साथ ऐसा हुआ, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। कावेरी सबके सामने गरिमा का मजाक उड़ाने लगी। गरिमा फिर से बहुत घबरा गई। इस तरह अब तो हर रोज स्कूल के शुरू होने से खत्म होने तक पूरे दिन कावेरी गरिमा का खूब मजाक उड़ाती। गंदे लोगों के साथ ही भगवान ऐसा करते हैं, और तुम बहुत गंदी हो।
ये सब सुनकर गरिमा रोते हुए घर आ जाती है। अब तो गरिमा को स्कूल जाने से भी डर लगने लगा। वो बहुत रोती है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या हुआ मेरी बेटी को, जिस स्कूल जाने के लिए हमेशा सबसे जल्दी उठती थी वो अचानक स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती? नहीं पापा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम्हारा मन नहीं है तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। इस तरह गरिमा का पढ़ाई से भी मन उठ गया और हमेशा अच्छे नंबर लाने वाली गरिमा अब हर टेस्ट में बहुत कम नंबर लाने लगी, जिससे टीचर भी परेशान हो गया। क्या बात है गरिमा, तुम्हारा नंबर इतना कम क्यों है? तुम ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही हो क्या? पता नहीं क्यों सर, मैं जो भी पढ़ती हूँ सब भूल जाती हूँ। ये सुनकर कावेरी बहुत खुश होती है। यही तो मैं चाहती थी, अब तू देख कैसे मैं तेरी जगह इस क्लास के टॉपर बनती हूँ और मुझे टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और एग्जाम आ जाता है। एग्जाम रूम में गरिमा एग्जाम दे रही थी, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे हमेशा अब इस बात का डर रहने लगा कि कहीं फिर से उसके स्कर्ट पर खून का धब्बा तो नहीं लग गया, जिस वजह से उसका एग्जाम बहुत खराब जाता है। और रिजल्ट वाले दिन ये पता चलता है कि उसके क्लास की नई टॉपर अब कावेरी है। मैंने ये कर दिखाया, मैंने उस गरिमा को हरा दिया। मुझसे ज्यादा तेज इस स्कूल में अब कोई लड़की नहीं है, मैं सबसे पढ़ाकू लड़की हूँ। कावेरी पूरे दिन क्लास में खुशी से झूमती रहती है। तभी सभी ने देखा कि कावेरी के स्कर्ट में भी खून के धब्बे लग गए हैं। अरे अरे, ये देखो कावेरी के स्कर्ट में भी खून के धब्बे हैं, अब तो ये भी गंदी लड़की हो गई। अरे ये क्या, मेरे स्कर्ट में गरिमा की तरह ही खून के धब्बे, लेकिन ये कहाँ से आया? हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हुआ? कावेरी रोते हुए वहाँ से जाने लगी। तभी गरिमा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, रुक जाओ कावेरी, भागो मत, ये भागने की बात नहीं है, एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसे समझने की जरूरत है। तभी मैडम भी आ जाती है और कहती है, हाँ कावेरी, गरिमा बिल्कुल सही कह रही है, ये तो हर एक लड़की को होता है, ये कोई छुपाने की या फिर शर्माने की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल बात है। हाँ कावेरी, ये लो सेंट्रीपैड, इसे यूज कर लो। गरिमा और मैडम के समझाने के बाद कावेरी को सब समझ में आ गया और बाथरूम से आने के बाद कावेरी गरिमा का हाथ पकड़कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो गरिमा, मुझे नहीं पता था, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन आज मुझे पता चला ये तो हर लड़की के साथ होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं कावेरी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और गरिमा के मन से अब स्कूल का डर भी खत्म हो जाता है और वो फिर से अपने क्लास में टॉप करने लगती है। रेल बनाने वाली घमंडी स्टूडेंट। शिवानी, इस बार स्कूल में सबसे कम मार्क्स तुम्हें ही मिले हैं। रूहानी, ये पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है, वो तो बस मैं अपने पापा के कहने पर पढ़ाई करने आ जाती हूँ, मुझे तो बस शादी करके अपने पति के साथ रानी बनकर रहना है। शिवानी, आज के जमाने में भी तुम ऐसे सोच सकती हो? अरे आजकल तो लड़कियाँ क्या नहीं करती। कर तो रही हूँ, रील बना रही हूँ, और देखना जिस दिन मैं फेमस हो गई ना, उस दिन सभी लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे। अगर बाय चांस नहीं फेमस हुई तो क्या करेगी, कभी सोचा है? इंसान को हमेशा प्लान ए के साथ प्लान बी भी लेकर चलना चाहिए, है ना? प्लान बी, शादी करके ससुराल में सब पे हुक्म चलाना। तेरा सही है बहन, तू कभी नहीं सुधर सकती। चल अब जल्दी से मेरा दो चार रील बना दे, मुझे अपलोड करना है। शिवानी की माँ नहीं थी, शिवानी का पालन पोषण उसके पिताजी ने ही किया था। शिवानी के पिता राम प्रकाश बिजनेसमैन थे और वो अपनी बेटी शिवानी से बहुत प्यार करते थे और अपने पिताजी के इसी लाड प्यार की वजह से शिवानी बहुत ही ज़्यादा घमंडी और बिगड़ैल हो गई थी। दसवीं तक तो शिवानी जैसे तैसे करके पास हो जाती है, लेकिन इस बार बारहवीं के इम्तिहान में वो फेल हो जाती है। शिवानी, ये सब क्या है, तुम बारहवीं में फेल हो गई हो? ओफो पापा, ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, और आपको तो पता ही है मेरा पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता, मैं तो बस सोशल मीडिया स्टार बनना चाहती हूँ, बस एक बार मैं फेमस हो जाऊँ, फिर देखना पिताजी मैं क्या क्या करती हूँ। ये आजकल के बच्चे सोशल मीडिया के चक्कर में आकर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने तुम्हें स्मार्टफोन दिला दिया। अरे पापा, ये जमाना ही सोशल मीडिया का है, आजकल सभी स्मार्टफोन चलाते हैं और हर कोई अपना रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करता है। पापा, मैं रील बनाने पार्क जा रही हूँ, शाम को आऊंगी, बाय। शिवानी फोन और अपना बैग लेकर घर से निकल जाती है और शिवानी का सोशल मीडिया के प्रति इतनी दीवानगी देखकर राम प्रकाश बहुत चिंतित हो जाते हैं और वो अपनी बहन को फोन करके सब बताते हैं।
अरे भैया आप चिंता मत करिए, नया नया उम्र है, अभी नादान है, एक दिन समझ जाएगी। मेरी मानिए तो आप अब शिवानी की शादी करवा दीजिए, ससुराल जाएगी तो खुद ब खुद सबको समझ जाएगी, आखिर शादी की उम्र भी तो हो गई है। ये तुम सही कह रही हो, मुझे अब शिवानी की शादी ही करनी पड़ेगी। मेरी नज़र में एक लड़का है भैया, आप कहो तो मैं बात करूं। इधर शिवानी रील बनाकर थक चुकी थी, वो पार्क में बैठकर बर्गर खा रही थी। अरे ये बर्गर तो बहुत ज्यादा हो गया, मुझसे तो खाए भी नहीं जा रहा। तभी शिवानी को वहाँ कुछ झुग्गी वाले बच्चे भीख मांगते हुए दिखते हैं। ए सुनो, ये सारे बर्गर तुम सारे बच्चे मिलकर खा लो। पर दीदी ये तो आपने छोटा कर दिया है। अरे तो इसमें क्या हुआ, अब क्या मैं तुम जैसे फटीचर के लिए बर्गर किंग से बर्गर लेकर आऊंगी? ये खाना है तो खा लो, वरना मैं इसे डस्टबिन में डालने जा रही हूँ। नहीं नहीं दीदी, हम ये खा लेंगे। उसके बाद शिवानी उन बच्चों के साथ भी बर्गर खाते हुए रील बनाती है। शिवानी जब शाम को घर आती है तब राम प्रकाश शिवानी को लड़के की फोटो दिखाते हैं। पापा मैंने आपको कहा ना, मुझे भी शादी नहीं करनी है, मैं भी शादी नहीं करना चाहती हूँ, अभी तो मैं फेमस भी नहीं हुई हूँ। देखो बेटा, लड़का अच्छा है और सबसे बड़ी बात तुम्हारी बुआ की सहेली का बेटा है। ये चोमोसा लड़का, मैं इसे हरगिज़ शादी नहीं करूंगी। चोमोसा नहीं है, सरकारी ऑफिसर है। और हाँ, अगर तुमने इसे शादी से इनकार किया तो आज से तेरा फोन चलाना बंद और तेरा सारा पॉकेट मनी भी बंद। कैसी बातें कर रही हैं पापा, लड़का उतना भी बुरा नहीं है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, बस आप वादा करो आप मुझे फोन नहीं लेंगे और आप मुझे शादी के बाद आईफोन दिलाएंगे। ठीक है बेटी। और फिर इस तरह कुछ दिनों में शिवानी की शंकर नाम के लड़के से शादी हो जाती है। शिवानी अपनी शादी पर भी खूब रील बनाती है और जब ससुराल आती है तब, अरे आशा तेरी बहू सिर्फ रील ही बनाती रहती है या फिर इसे कुछ काम वाम भी करना आता है? अरे विमला बहन, मेरी बहू सब कुछ कर लेती है, तेरी उस काली बहू से तो अच्छी ही है मेरी रील वाली बहू। देख तो, इसके ससुराल वालों ने आईफोन दिया है मेरी बहू को और साथ ही घर का सारा सामान भी, और मेरे बेटे को भी फोर व्हीलर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरे घर तो साक्षात लक्ष्मी आई है, घर में पैर रखते ही सामान से घर को भर दिया। और एक हमारी बहू है भिखारी की खानदान की, उसके घर वालों ने तो एक बर्तन तक नहीं दी। शिवानी की सास आशा शिवानी से बहुत खुश थी, क्योंकि एक तो शिवानी दिखने में भी बहुत सुंदर थी, ऊपर से उसके पापा ने दहेज भी खूब सारा दिया था। अरे मेरी बहू, तू तो लाखों में एक है, लाखों में। माँ जी अब मैं कमरे में जा रही हूँ। जा बहू, जाकर आराम कर। शिवानी जल्दी से अपने कमरे में जाती है और रील बनाने लगती है। अगले दिन शिवानी की नंद उसके पास आती है। चले भाभी, माँ आपको आपकी पहली रसोई के लिए बुला रही है। लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता है। तभी उसकी सास आती है और वो शिवानी को सब कुछ कैसे बनाना है बताती है। उसके बाद शिवानी खाना बनाती है। एक मिनट माँ जी, आप मेरा फोन पकड़िए और मेरा खाना बनाते हुए दो चार रील बना दीजिए। ऐसे ही दिन बीत रहा था। शिवानी पूरे दिन बस फोन में लगी रहती थी, जिस वजह से अब तो उसकी सास और उसका पति भी उससे परेशान होने लगा था। आशा मंदिर से आकर अपनी बहू को आवाज लगाती है। बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दे दे। अरे मुझे तो माँ जी का ध्यान ही नहीं रहा और ये खाना तो मैंने छूटा कर दिया है, अब क्या करूँ? वैसे भी ये खाना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। मैं काम करती हूँ, इसी को सासू माँ को दे देती हूँ, वैसे भी किसी को क्या ही पता चलेगा। उसके बाद शिवानी अपना जूठा खाना अपनी सास को खिला देती है। उसके बाद शिवानी फिर से घर का काम करने के बाद रील बनाने लगती है और किचन का गेट नहीं बंद करती। तभी एक पागल कुत्ता आकर दूध जूठा कर देता है। हे भगवान, ये पागल कुत्ता अंदर कैसे आ गया? अगर माँ जी को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। शिवानी उस दूध को उठाकर रख देती है। रात में जब उसका पति शंकर आता है तब, शिवानी आज मुझे दूध नहीं दोगी क्या? जी लेकर आती हूँ। उसके बाद शिवानी वही जूठा दूध अपने पति शंकर को पिला देती है। तभी कुछ देर बाद शंकर की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। देखिए, लगता है इन्होंने कोई इन्फेक्टेड चीज खा ली है, जिस वजह से इनके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है। उसके बाद शिवानी को अपनी गलती का एहसास होता है। भगवान जी मुझे माफ कर दीजिए, आज मेरी वजह से मेरे पति की ये हालत हो गई है। अगर मैंने वो कुत्ते का झूठा दूध उन्हें नहीं दिया होता तो उनकी ये हालत नहीं हुई होती। क्या, तूने मेरे बेटे को कुत्ते का झूठा दूध दिया? अरे करम जली, इस तरह तो तू हम सबको किसी दिन जहर देकर मार डालेगी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरी जैसी बहू, तू आज से इस घर में नहीं रहेगी।
माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद से मैं कभी रील नहीं बनाऊंगी और घर का सारा काम अच्छे से करूंगी, मुझे घर से मत निकालिए। शंकर के बारे में सुनकर राम प्रकाश भी हॉस्पिटल आते हैं और दो दिन के बाद शंकर की तबीयत ठीक हो जाती है, जिसके बाद शिवानी सबसे माफ़ी मांगती है और फिर शंकर और उसके साथ शिवानी को माफ़ कर देते हैं और उस दिन से शिवानी एक अच्छी बहू की तरह जिम्मेदारी से घर का सारा काम करने लगती है। भीमपुर गांव में यशोदा नाम की एक औरत अपने बेटे किशन के साथ रहा करती थी और वो अपना घर चलाने के लिए बड़े बड़े लोगों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी और उसका बेटा किशन भी उसके घर के कामों में उसकी मदद कर दिया करता था और किशन गांव के ही एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ा करता था। लेकिन उसका पढ़ाई में ज्यादा कुछ खास मन नहीं लगता था, लेकिन उसे पेड़ पौधे और नई नई फसलों के बारे में जानना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो अपने आंगन में कई सारी सब्जियों के फसल उगाया करता था और पेड़ पौधे लगाया करता था। ऐसी ही आज भी, अरे किशन बेटा कहाँ हो तुम, जल्दी आओ नाश्ता कर लो, मुझे फिर काम पर भी जाना है। इतना कहकर यशोदा किशन को आवाज लगाती है, लेकिन उसके न आने पर यशोदा खुद आंगन में आकर देखती है और किशन से कहती है, अरे किशन बेटा ये तुम क्या दिन भर बस इन पेड़ पौधों में लगे रहते हो और तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी क्या? माँ मुझे पेड़ पौधे लगाना और उनके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, और देखो ना माँ मैंने ये शिमला मिर्च का पौधा अभी लगाया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। काश माँ हमारे पास भी कोई खेत होता तो मैं उसके अंदर कितने सारे सब्जियों के पौधे लगाता। अरे बेटा तुझे तो पता है ना मैं जैसे तैसे करके तुझे पढ़ा रही हूँ, तो ऐसे में हम खेत कैसे ले सकते हैं? और बेटा इसलिए तो मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया करो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके ही तुम अपनी जिंदगी में कामयाब बन सकते हो और एक अच्छी नौकरी करके पैसे कमा सकते हो। इसलिए बेटा ये सब छोड़ो और अंदर जाकर अपना नाश्ता कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, तभी पड़ोस में रहने वाली मीना नाम की एक लड़की यशोदा के घर आती है और उससे कहती है, अरे काकी किशन कहाँ है? अरे मीना बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे किशन को क्यों पूछ रही हो? अरे वो दरअसल काकी कल किशन मेरे घर में मेरी एक किताब लेकर आ गया है, बस मैं वही लेने आई थी। लेकिन बेटा किशन तुम्हारी किताब लाकर क्या करेगा? वो काकी मैं कल लाइब्रेरी से पेड़ पौधों से रिलेटेड कुछ किताबें लेकर आई थी, बस तभी किशन मुझसे वो किताबें लेकर चला गया था, लेकिन आज मुझे वो किताबें वापस जमा करनी है इसलिए बस मैं वही लेने आई थी। उसी समय किशन वहाँ पर किताब पढ़ते हुए आ जाता है और कहता है, ये लीजिए मीना दीदी आपकी किताब, मुझे किताब पढ़कर बहुत अच्छा लगा। इतना सुनकर मीना वो किताब लेकर वहाँ से चली जाती है, तभी यशोदा कहती है, किशन बेटा ये तुम क्या हमेशा फालतू की किताबें पढ़ते रहते हो, क्या तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है? अरे मैं यहाँ दिन रात मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रही हूँ कि शायद एक दिन तुम भी पढ़ लिख कर कामयाब बन सकोगे, लेकिन तुम तो इन पेड़ पौधों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हो, और अगर तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा ना तो मैं तुम्हारे ये सारे पेड़ पौधे उखाड़ कर फेंक दूंगी। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर किशन को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उदास होकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है और गुस्से की वजह से वो पूरे दिन खाना भी नहीं खाता है। तभी शाम को जब यशोदा घर वापस आती है तो वो किशन को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे किशन बेटा जल्दी बाहर आओ, देखो आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मन पसंदीदा जलेबियाँ लेकर आई हूँ। मुझे नहीं खाना माँ। अरे किशन बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने सुबह तुम्हें कुछ ज्यादा ही डांट दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है ना, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या सच में जो मैं आपसे मांगूंगा आप मुझे लाकर दोगी? हाँ बेटा बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो आप मुझे सीताफल के बीज लाकर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं जिन मालकिन के यहाँ काम करती हूँ उनके बगीचे में भी सीताफल के कुछ पौधे लगे हुए हैं, तो मैं उनमें से एक पौधा मांगने की कोशिश करूँगी, ठीक है? इतना सुनकर किशन बहुत खुश हो जाता है और फटाफट से बाहर आकर अपनी माँ को गले लगा लेता है। और ऐसे ही अगले दिन जब यशोदा फिर से काम पर जाती है तो वो अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन अगले हफ्ते मेरे बेटे का जन्मदिन है तो उसने मुझसे उपहार में सीताफल के कुछ बीज मांगे हैं, लेकिन बीज तो मेरे पास नहीं है, तो क्या आप मुझे सीताफल का एक पौधा दे सकती हैं? क्या कहा तूने, तुझे सीताफल का पौधा चाहिए? अरे मैंने यहाँ कोई क्या नर्सरी खोल रखा है जो मैं तुझे पौधे देती फिरूं?
इसलिए फालतू के काम छोड़ और जाकर अपना काम कर, समझी? इतना कहकर यशोदा की मालकिन उसे पौधे देने से साफ मना कर देती है। लेकिन बगीचे में काम कर रहा माली यशोदा को इस तरह दुखी देखकर उसे चुपके से एक सीताफल का छोटा सा पौधा लाकर दे देता है और उसे कहता है, ये लो यशोदा, इस पौधे को जल्दी से अपने थैले में डाल लो, वरना अगर मालकिन ने देख लिया ना तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई। और इस तरह यशोदा किशन के बर्थडे वाले दिन उसके लिए सीताफल का पौधा लेकर जाती है और उसके लिए हलवे से बहुत ही सुंदर केक बनाती है और कहती है, ये लो बेटा तुम्हारा सीताफल का पौधा और ये तुम्हारा बर्थडे केक। और इस तरह यशोदा अपने बेटे का जन्मदिन बड़ी ही खुशी से मनाती है। लेकिन जब कुछ महीने बाद किशन का रिजल्ट आता है तो यशोदा उसे गुस्से में कहती है, ये सब क्या है किशन बेटा, तुम अपने एग्जाम में फेल हो गए। मुझे माफ कर देना माँ, लेकिन आप तो जानती हो ना कि मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मेरा तो मन बस पेड़ पौधे और खेती करने में लगता है, और अगर ऐसे में मैं जबरदस्ती पढ़ाई करूँगा तो मैं ऐसे ही फेल होता रहूँगा। माँ प्लीज आप मेरे लिए कोई छोटा सा खेत खरीद दीजिए ना, मैं उसमें ढेर सारी फसलें उगाऊंगा और फिर उन फसलों को बेचकर पैसे भी कमा सकेंगे और फिर आपको अकेले पैसे नहीं कमाने पड़ेंगे माँ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं रामू काका से कहकर तुम्हारे लिए कोई छोटा सा खेत खरीदने की कोशिश करूंगी, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। इतना कहकर यशोदा शादी के सारे गहने बेचकर गांव से थोड़ा दूर एक छोटा सा खेत खरीद लेती है और जब वो उसके बारे में अपने बेटे को बताती है तो वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन वो खेत पर जाकर अपने आंगन के सारे पेड़ पौधों और सब्जियों को ले जाकर उस खेत में लगा देता है। और कुछ ही दिनों में किशन के खेत में बहुत सारी हरी भरी फसल उग जाती है। और जब एक दिन किशन अपने खेतों में खाद डाल रहा होता है तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसके खेत के कुछ पौधों को कुचलते हुए अंदर घुस जाती है। तभी किशन गुस्से में उससे कहता है, अरे ये आपने क्या कर दिया, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये मेरा खेत है? कोई रोड नहीं जिस पर आप इतनी तेजी से गाड़ी चलाते हुए आ रही है, और आपकी इस लापरवाही की वजह से मेरी कितनी फसल खराब हो गई। तेरी इतनी हिम्मत, तुम उसे जवान लड़ा रहा है? अरे तेरे जैसे दो कोड़ी के खेती करने वालों को तो मैं यूं खरीद लेती हूँ, और तो मेरे सामने आवाज ऊंची कर रहा है। अरे तुझ जैसे ना जाने कितने नौकर मेरी दुकान में काम करते हैं, समझा? और ये लो पैसे, अपनी फसल फिर से उगा लेना। इतना कहकर करुणा किशन के मुंह पर कुछ पैसे निकालकर फेंक देती है और उसके ऐसी हरकत देखकर किशन गुस्से में उससे कहता है, लगता है आपको पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं है, तभी तो आप पैसों का इस तरह अपमान कर रही है। अरे ये पैसों की पूजा करना गरीब लोगों का काम है, हम जैसे अमीरों का नहीं। और वैसे भी मार्केट में मेरी सबसे बड़ी बेकरी की दुकान है, जहाँ ना जाने रोज कितने बड़े केक बिकते हैं, और तुम जैसे लोग मेरे लिए काम करते हैं। इतना कहकर करुणा वहाँ से चली जाती है। और करुणा कोई और नहीं बल्कि यशोदा की मालकिन थी, जिसके यहाँ यशोदा साफ सफाई का काम किया करती है। और उस दिन करुणा की ऐसी हरकत की वजह से किशन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, अरे किशन बेटा क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? और हाँ, तुमने अभी तक अपने सीताफल के पौधे को अपने खेत में क्यों नहीं लगाया? हाँ माँ, मैं कल सीताफल के पौधे को ले जाऊंगा, क्योंकि मेरी कुछ फसलें खराब हो गई हैं, तो उसकी जगह मैं सीताफल का पौधा वहाँ पर लगा दूंगा। और ऐसे ही अगले दिन किशन सीताफल का पौधा ले जाकर उसे अपने खेत की खाली जगह पर लगा देता है और उसमें अच्छे से खाद और पानी डाल देता है। और अगले दिन किशन जब वापस खेत पर आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सीताफल के पौधे पर सीताफल की जगह बड़े बड़े केक निकल आए थे। और ये सब देखकर किशन हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर ये सब क्या है, सीताफल के पौधे पर इतने सारे केक कैसे निकल आए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना कहकर किशन फटाफट से अपनी माँ को खेतों पर बुलाता है और जब यशोदा ये सब देखती है तो वो कहती है, अरे बेटा कल तक तो ये सीताफल का पौधा एक मामूली पौधा था, लेकिन आज इसके पौधे पर सीताफल की जगह इतने बड़े बड़े केक कैसे आ गए? इसका मतलब ये एक जादुई खेत है। लेकिन माँ अब हम इतने सारे केक का क्या करेंगे, हम अकेले तो इतना सारा केक नहीं खा सकते हैं ना। अरे बेटा हम इन केक से अपनी एक बेकरी की दुकान खोल सकते हैं, फिर इससे हमारी और भी अच्छी खासी कमाई होगी। तुम बेकरी की दुकान चलाना और मैं यहाँ खेतों पर रहकर इन पौधों की देखभाल करूँगी। और इस तरह यशोदा और किशन मिलकर मार्केट में करुणा की दुकान के सामने ही
अपनी एक बेकरी की दुकान खोलते हैं और बहुत कम रेट में वो लोगों को केक बेचते हैं और उनके केक के अनोखे स्वाद और कम रेट की वजह से सभी लोग किशन की दुकान से केक खरीदना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते किशन की बेकरी की दुकान पूरे गांव में फेमस हो जाती है और उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती है। और वही करुणा की दुकान के सभी ग्राहक उसके घमंड और उसके ज्यादा रेट होने की वजह से उसे केक खरीदना बंद कर देते हैं और देखते ही देखते करुणा की दुकान पर ताला लग जाता है और उसका घमंड टूटकर चकनाचूर हो जाता है। और वही किशन अपनी मेहनत और जादुई केक की खेती की वजह से अपनी जिंदगी में कामयाब हो